कृष्णभक्ताय भगवत्ताय पञ्चाक्षरस्य कृपा सिन्धुर्वैव च हरितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं श्री कृष्ण जय प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री श्री भजन राष्ट्र ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अष्टम जाम साधन के बारे में हम लोग साधन कर रहे मिलन की कृष्ण मिलन की जो भाव के गोविंद के साथ मिलने के लिए जो गोपी तरफना कृष्ण निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला संपदार्थम कमल विभिन्न मीति गर्व सर्व साधन सर्वाधन धनद अभयदानम ओरिगाभ्यम श्री कृष्ण के जो पाद पद्म निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला संपद है, जो कमल की राशि राशि स्वभाव को गर्व को गर्व करने वाले हैं तथा जो प्रणव जनों को आश्रय प्रदान करने में प्रगाढ़ शक्तिशाली होने से सर्वत्र समादृत है, उन श्री कृष्ण पार्वत में मेरा चित्त किसी अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करें। निखिल भुवन लक्ष्मी राधिका सुंदरी तार नित्य लीलास्पद परम माधुरी कमल विपिन गर्व खय जारी हय हेन कृष्ण पाद पद्म कृष्ण मम मन अपूर्व उत्सवृति करूप होने के पश्चात
श्री कृष्ण का पुनः आविर्भाव हुआ। कृष्ण राशि अंदर ध्यान हो गए, गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पते तड़पते यमुना कुलीन में, और फिर कृष्ण उस समय गोपियों की ऐसी आरती दैन सूचक स्तुति आदि सुन करके कृष्ण के रहा नहीं सकता, इतना रह नहीं सकता। तो कृष्ण क्या कि गोपियों की सभा में यहाँ पर गोपियाँ एकत्रित होकर के गोपी गीत जाके कृष्ण के अनेक विरह सूचक लीला आदि के स्मरण कर उस सभा में लीलासु उनका अभिप्राय व्यक्त करते थे कि आपकी श्री राधा रानी श्री कृष्ण को पदकमल को अपने हृदय पर धारण कर रखा है। राधा जी के पास श्री कृष्ण का निवृत्त निकुंज में विलास कर रहे हैं, श्री राधा के अंगों पर रखे हैं क्योंकि आरोप के चरण तय रुक्तिम हो जाते हैं। उनकी कुंकुमाक्त चरण हमारे हृदय में स्फुटित हो प्रस्फुटित। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर कोमल और आरक्तिम चरण मानो रक्त की बूंद जैसे चमक रहा है, लाल लाल आ रही है, और मुलायम मुलायम समझते हैं। उनकी कुंकुमांत चरण हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो, उनके पदकमलों का वैशिष्ट्य वर्णन करते हुए कहा है कि कमल के गर्भ के भी पराजित करने वाली कैसे यहाँ पर भी कहें। ये कमल इतने सुंदर है उसके गर्भ के कैसे पराजित करें कृष्ण के सुंदर चरण। इसी शंका को उठाते हुए टीकाकार कहते हैं क्या जोड़ी और पंचेंद्रियों की शीतलता सौरभ सुकुमारता और सौंदर्य प्रदान करता है, उसके मकरंद पान करने के लिए भ्रमर भी मुक्त हो जाते हैं। इस जगत में जितने भी सुंदर वस्तु है वो क्या है क्षणस्थाई क्षणस्थाई समझ है। जोड़ी कमल जितने पंच इंद्रियों को शीतलता सौरभ और सुकुमारता और सौंदर्य प्रदान करता है। कमल के इतने सुंदर सुगंध जो है उस सुगंध भी आस्वादन के द्वारा भ्रमर मुक्त हो जाते हैं, दूर दूर से भ्रमर है कमल की मकरंद आस्वादन करने के लिए उठ कर के आते हैं, उसकी मकरंद का पान करने करके भ्रमर भी मुक्त हो जाते हैं। ये तो बात सकता है, परंतु कृष्ण के चरण कमल की माधुरता और अधिक विशिष्ट है। क्या उदाहरण दे रहे हैं प्राकृत जगत में जो कमल है जब प्रस्फुटित होता है तो भ्रमर आकर के उस भ्रमर उस कमल की मकरंद जो रूप पान करता है,
और मकरंद पान करके क्या हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है कि नहीं। किंतु कहो कृष्ण के चरण कमल की मार्गदर्शन है क्या हो जाना चाहिए। प्राकृत अप्राकृत समस्त प्राणी मात्र के शोभा संपत्ति स्वरूप है। कृष्ण के चरण कमल की जो शोभा सौंदर्य जो है प्राकृत अप्राकृत समस्त प्राणी मात्र के भी शोभा संपत्ति स्वरूप है। निखिल भगवान लक्ष्मी की नित्य लीला में वो आस्पद है। देखो ये भगवान लक्ष्मी लक्ष्मी देवी जी कृष्ण की चरण कमल की मकरंद आस्वादन करने के लिए कैसे नमस्त हो जाए। बोले कृष्ण कृष्ण की छोड़ दो, कृष्ण के जो विलास विग्रह कौन है, नारायण वैकुंठ में कृष्ण नारायण के क्या कहा जाता है, कृष्ण के विलास विग्रह का विलास वही नारायण के चरण कमल की अर्पित तुलसी और मकरंद की सुगंध प्राप्त करके चार कुमारों ने क्या किया, ब्रह्मचर्य को त्याग दिया। माने प्रभु में जो लीन हो गया है, ध्यान भी उनको क्या हो गया, बोले भगवान की चरण कमल की अर्पित के बाद तुलसी मकरंद, वो भी कौन सा भगवान, कृष्ण के विलास विग्रह वैकुंठ में ये नारायण, और साक्षात वैकुंठ श्याम सुंदर की चरण कमल की मकरंद वो कौन वर्णन कर रहा है। विलास विग्रह मतलब महाराज कृष्ण के जो विलास राघव वैभव वैकुंठ में नारायण की कहा जाता है, कृष्ण की विलास विग्रह। आज ये इसमें कह रहे कि निखिल भुवन लक्ष्मी की नित्य लीला के आस्पद है, ये लक्ष्मियां उन चरण कमल पर अपना सर्वस्व समर्पित करती है, एक नहीं कितने वैकुंठ में जितने ही अवतार आदि है सबके पुत्री के नाम क्या है, लक्ष्मी मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन देव ये सब क्या है, सब कृष्ण के ही अवतार शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत वराह रूप जय जगदीश केशव धृत नरहरि रूप जय जग कृष्णा कौन है, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश वही केशव, वही केशव मानो वैकुंठ आदि जगत में नारायण रूप में सदा है। गोलोक वृंदावन में क्या कहते हैं, केशव
ब्रह्मा आश्रित के जो रीतसर एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मा शिव आदि की जो रीतसर यहाँ तक भी नहीं है वो तो सिर्फ सेवा की है तस्मात्जा साधन का कैसे श्रीमती राधा जी की प्रेम में वशीभूत होकर के उनके चरण कमल में जने राधा जी चरण कमल में प्रेम भिक्षा मांगे स्मर लखंडनम मम शीर सिमंडनम देही तव पद यहाँ तक भी नहीं है श्रीमती राधिका कहती है हे कृष्ण मेरे चरण में जो है आप अल्प मेरे चरण में अल्प लगा अलता लगाना काम किस अलता समझती हो क्या शादी का बाद अरे शादी के समय जो है कुलार में हर रोज कर लिए यहाँ पर शादी के समय जय में महावर अच्छा ये महावर लगाना योगी पैर में महावर लगाना किसके काम है ये जानते हो ये जो नाई के काम आज नहीं शादी के समय ये एक किसी काम रहता है नाई जो है बरबर आजकल लोग सब भूल गए आज समय संस्कृत में कुछ नहीं है उस समय के बाद जितने बुलाया जाता है अलग अलग होता है अलता मैंने महाभोता उनके काम नाखून काटना आज के सुन केश आदि के जो है श्रृंगार आदि करना जो बाल जिनके पे छोटा बड़ा हो गया फिर दूसरी जो है शादी के वो आते हैं क्या बोले जो चुड़िया जो पहनती है चुड़िया जो पहना पहना मनिहार देखो ये संस्था सबके शादी पर भी लिखा है अलग 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 काम से हो जाता है ये हुआ आकर के वो सब काम करते इनके काम तुम्हारे काम इच्छा है परिवार के काम जो वधु के जो है उन्होंने ब्राइडग्रूम और उनको ये सब काम और जो मणिहारी जो है शंखा वाले हाथ में शंखा जो है बलय चूड़िया पहने ये सब आजकल तो कोई दिक्कत है अपना ही पहनने से पहनती ही नहीं है किंतु सत्या सार्थिकता में ये सब करने में जिस चीज जो काम है वो करना किंतु देखो कृष्ण इतने महान होकर के अनंत करोड़ इतने ब्रह्मांड के नायक हो पाए जिनकी चरण कमल में ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते हैं आज देखो वही कृष्ण क्या करते हैं राधा के चरण चरण कमल में क्या लगा रहे हैं महावर लगाओ
कृष्ण के तालुक नहीं है लगाना का है भाई, जिसको जो काम वही तो करता है। आसन भाई देखो, एक धोबा धोबी था, धोबी के घर में ये गधा भी था और एक कुत्ता था। गधा कुत्ते के कहने लगे, देखो कुत्ते तुम कुछ काम नहीं करते, सारा दिन खाते पीते हुए हैं बस सो जाते हैं, और देखो और मालिक तुम्हें कितना आदर भी करते हैं, मालिक तुमको क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चुम्बन करते हैं है? और अच्छे अच्छे खाना की उच्छी से तुम्हें देते हैं है? और मेरा गाधा होने के नाते देखो मैं सारा दिन इतने काम करता रहता हूँ, फीट फॉर कितने लोड लेकर के चलता रहता, मालिक मुझे कुछ खाना ही भी नहीं देते कुछ नहीं है? अच्छा बोला कुत्ता बोले, देखो तुम्हारे काम हमारे काम अलग। गधा बोले, ठीक है तुम्हारे काम क्या है, मेरे चोर आ गए ना तभी गल 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 तुम्हारी सचेत हो जाते, ये मेरा काम है। गधा बोले, मैं ठीक है तुम्हारे मैं काम करूंगा। कुत्ते बोले, करके देखो क्या है। अच्छा एक दिन रात में सचमुच एक चोर आ गया, धोबी के घर में क्या आ गया, चोर। कुत्ता इशारा किया गधे को, मेरे काम करके दिखाओ। जब वो गधा क्या कर है, मालिक तो ये इतना रात में गधा क्यों इतने डिस्टर्ब क्यों कर रहे। वो मालिक ने क्या की, धोबी ने क्या की, उठा एक लाठी लेकर गधा को ऐसे पिटाई किया, बस क्यों हड्डी टूट गई, टूट गई है। गधा बोले, एक कुत्ते बोले, देखा तो मेरे काम मुझे करना है, तेरे काम तुम्हें करना है, मेरे काम करने में तुम जाओ तुम्हारे गड़बड़। और एक दिन फिर दूसरे दिन चोर है तो कुत्ता थोड़ा बहुत भाग करने लगे, मालिक उठा देखा चोर भाग रहे, मालिक ने किया कि चोर के पीछे दबा कर चोर भाग गया। अच्छा चलो, मालिक ने किया कि कुत्ते को कैसे किया, खाली नहीं किया, तुमने मेरा धन बार अच्छा कहने चोर ले चले जाओ। तो उसी प्रकार कुत्ता कहने लगे, देखो तुम्हारे काम हमारे काम अलग है कि नहीं। मेरे कहने की उसी तात्पर्य है, कृष्ण पर ब्रह्म भगवान उनके काम ये नहीं, किंतु देखो वो काम क्या काम कर रहे हैं, राधा के चरण में माने नाई के, नाई के जो काम है, नाई के काम बताया ना है, पैर में क्या लगाना है, महावर लगाना है जो भगवान ही से लगा है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जी बंदी के चरण कमल है, आज देखो कृष्ण कैसे काम करते हैं, एक तो इसलिए यहाँ पर। परंतु श्री कृष्ण के चरण इसमें कहा, यह लक्ष्मी इन चरण कमलों का सर्वस्व समर्पित करती है, श्री कृष्ण अपने चरण स्पर्श से इनकी कंदर को आदि को दूर कराती है, और कृष्ण अपने चरण कमल की इतनी सुंदर सीता लिए है, जावई सिया रचिता वजाधि रक्त कामिन। श्रीमद् भागवत में पद में जावई सिया रचिता वजाधि रक्त कामिन जगत बोले, महाराज कोष्ठम राजवृत्ति महाकोष्ठ में गोपियां प्रेम में जो संतप्त हो जाती है, तो गोपियां क्या करती है,
शरीर के ताप भूत करने के दूर करने के लिए गोविंद के ऐसे सुंदर सुकोमल स्निग्ध शीतल चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर धारण करो। क्या बोला? जा वही श्री अर्चिता जिनकी चरण कमल लक्ष्मी आदि देवियां मसाज करती है, अर्चन करते ब्रह्मा आदि देवता लोग लक्ष्मी आदि देवियां जिनकी चरण कमल की अर्चन करते पूजा रास महाकुष्ठम रास रूपी महाकुष्ठम गोपियां नित्य करते करते जब थक जाती है और चरण में जब थक जाती है और उनके शरीर में इतने उत्ताप होता है और उसमें वो क्या करती है गोपियां न कृष्ण के ऐसे सुंदर सुकुमार स्निग्ध कोमल चरण कमल की अपने वक्षस्थल पर धारण करके समस्त ताप ताप के जो है दूर कर देख कितना इसमें कहते हैं जावी श्री अर्चिता अजाद भी रक्त काम बड़ी बड़ी जुड़ियों के अत्यंत दुर्लभ है जो चरण कमल है बहुत सुंदर सुंदर इसलिए यहाँ पर भी कहा है श्री कृष्ण की चरण कमल श्री कृष्ण की चरण स्पर्श से उनकी कंदर्व आरती को दूर करती है ब्रजवृंदावन प्रणय पूर्वक उन चरण कमल को अपने हृदय पर धारण करती है तथा सर्व प्रकार से सेवा करती है श्री कृष्ण की चरण कमल की इतने महिमा वर्णन हो रहा है जगत में जो कहते हैं कमल के साथ कृष्ण के चरण के साथ क्यों तुलना दे रहे बोले इस जगत की कमल तो शीतलता दान करते हैं किंतु क्षणिक काल में उनके सौंदर्य माधुर्य तो है किंतु अल्प समय के गोविंद भी चरण कमल उनकी स्निग्धता कमनीयता मधुरता शीतलता ये रहता इस प्रकार प्रणय पूर्वक इस चरण कमल को अपने हृदय पर धारण करती है तथा सर्व प्रकार से सेवा करती है करुणारुण करुणामय विपुलायतनयनम कमलापुजकलशी भार विपुलीकृत पुलकम मुरलीरव तरलीकृत मणिमानसनयनम मम खिलतु मदचितसि मधुरा अधर स्मृतम सुंदर सुंदर श्लोक तरुण अरुण करुणामय विपुल आयतन नयनम जिनकी नेत्र ज्वल तरुण अरुण वर्ण तथा करुणामय है अति विशाल विस्तार युक्त है कमला कुछ कलश से स्पर्श से जिनकी अंग पुलकित हो रहे हैं उनकी मुरली ध्वनि को सुनकर मुनियों के भांति चंचल हो जाते हैं उनका मधुर अधर सुधा मेरे मदमत्त चित्त में पीड़ा विहार करें।
है वीरमंगल झा को श्री कृष्ण का नाम लेकर ग्रंथ में वर्णन आ रहा है। जिनकी नेत्र जीवन कैसे तरुण तरुण माने चंचल है, तरुण शब्द का अर्थ होता है चंचल भी होता है। जैसे तरुण काल में वैष्णव आने के साथ ही साथ मन में चंचलता आ जाता है, इसलिए कहते हैं जिनकी नेत्र जुगा तरुण है, मन सदा सर्वदा प्रणयमान है, मन गुंतर है, चंचल बाल होते हैं छोटा बाल, युवा काल आने पर स्वाभाविक रूप से किशोर दशा आने पर आंखों की चंचलता आ जाता है। इसलिए कहते हैं जिनकी नेत्र जुगल तरुण और अरुण वर्ण लाल आधार रूप पर ये आंखों की तरुण कर्नर कर्नर में कोली में क्या होता है लाल लाल आधार रूप होता है। कितने सुंदर तथा करुणामय है और आंखों के देखते ही ऐसे लगते हैं ये कृष्ण कितनी करुणामय है। करुणामय किसको कहा जाता है, दूसरे के दुख देख करके जिनके हृदय में हो जाता है और उनके दुख निवारण करने के लिए दुख दूर करने के लिए सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु करुणामय होने के लिए नाते सदा सर्वदा व्यस्त रहते थे, कैसे जीवों की जय कृष्ण प्रेम प्रदान करे, जिसके हृदय में जितना ही करुणा उत्पन्न होगा करुणामय वो उतना ही विचार करेंगे ये जीवों की मैं कैसे प्रेम प्रदान करूंगा, जिस संसार में मैं के द्वारा कबलित होकर के कैसे संसार में भटक रहे दुख दुखी है, इस संसार में सब क्या है दुखी है कि दुखी है दुखी है। ऊपर से तो नाटक अभिनय करते हैं मैं सुखी हूं, किंतु वास्तव रूप में संसार में सब दुखी है दुखी है, क्योंकि संसार दुख में सुख कहां मिले वो हम नहीं जानते, जानते हम संसार में दुख में संसार में पड़े दुख दुख हम ऐसे दुखी जीवों की करुणा करने के लिए कृपा करने के लिए महापुरुष सदा सदा सर्वदा तत्पर रहते तत्पर में व्यस्त रहते कैसे करते हैं जीवों की कैसे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम ग्रहण करने से प्राप्त करने से जीव समस्त दुख से निर्मुक्त होकर के सर्वधाम रहते हैं। आप जब तक इस संसार में रहो मैं इस संसार में रहूंगी मैं तब तक मैं भी क्या करना पड़ेगा झिलना पड़ेगा। इसलिए कहते संत महात्मा बोले जल्दी जल्दी ही इस संसार को छोड़ करके भगवत धाम में चलो, चलो रे मन वृंदावन क्या बोला चलो रे मन क्यों वृंदावन में जाकर के क्या करोगे, बोले वृंदावन में जाकर के वहीं पर गोपियों की चरण सेवा करें, भूख लगे
फिर क्या करेंगे, विश्वास के घर में जाकर के माथा पूरी करके खा लेंगे। अगर प्यास लगे क्या करोगे, यमुना के जल पान कर, अंजलि भर करके यमुना के जल पान कर। कीर्तन करते हैं, चल रहे मान श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। देखो कितने सुंदर ब्रज की कीर्तन, ब्रज में गली गली में जाकर के राधे 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 चल रहे मन चिंता। कितना सुंदर भाव है। तो यहाँ पर भी वही करते जा रहे हैं, पति विशाल विस्तार भी तो जे करुणा मान। कृष्ण के आंख कैसे हैं, नेत्र ज्वल कैसे हैं, जन सदा सर्वदा करुणा की बूंद टपक रहे। ये जीव संसार में कैसे कष्ट पा रहे हैं, जो चले जाते हैं, जो रहता है वो होती विशाल विस्तार तो, और भी आप कैसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी आप है, ऐसे लंबी आप है, यहाँ से लेकर के कानों की इधर पर भी आज इतनी सुंदर काम है, भगवान की आंख इतनी बड़ी है। इसलिए कहे पति विस्तार, पति विशाल विस्तार युक्त आंख है, कमला कुच कलश के स्पर्श से जिनकी अंग पुलकित हो रहे हैं, राधा आदि गोपियों की बक्षस्थल के स्पर्श से जिनके सारे अंग पुलकित हो रहे हैं, जिनकी मुरली ध्वनि के सुनकर मुनियों के मन भी नदियों के भांति चंचल हो जाते हैं। जो मुनि लोग होते हैं मनन से मुनि का है, चित्त के धी स्थिर करके एकाग्र करके मुनि लोग बैठते आसन। किंतु देखो गोविंद के मुरली ध्वनि सुनते ही ऐसे बड़े बड़े मुनिन्द्र जगिंद्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्रिय ध्यानेन्द्र ध्यान करने वाले जोगिंद्र मुनिंद्र धनेन्द्र ज्ञानेन्द्र उनके क्या हो जाता, उनके मन ही कमल के भांति चंचलता प्राप्त कर, जिनका वह नलियों के नलिनों के भांति चंचल हो जाता, उनका मधुर अधराम्य तो मेरे मधुमत्त चित्त में क्रीड़ा व्यवहार करे। फिर मंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं, ऐसे जो कृष्ण के मधुर जो सुंदर जो है अधरामृत मेरे मनमत्त चित्त के क्रीड़ा विस्तार करे। और मुझे कहते मम खेलते मद चेतसी मधुर अधरामृतम, मेरे मन और क्या चाहते अंत में कृष्ण के जो है मधुमत्त, ये कृष्ण के मधुर अधरामृत मेरे मधुमत्त चित्त के क्रीड़ा विस्तार है। करुणा अरुणा जी करुणा स्वरूप मणि विपुल नयन सुविचार राधा पूजा दय भर प्रेम देह कय कर गर विपुल पुलक चमत्कार मधुर मुरली सने मुनि सन पद्म बने तरलिता करे सर्व घन कृष्ण मधुरा अधर परामृत ससधर चित्ते मोर कुरूप नर्तन। ठाकुर बनने ऐसे कृष्ण के सुंदर जो है
मधुर अधवा अधाम मृतम मैं कब काम करूँ श्री कृष्ण निवृता निकुंज में विराजित है नुपुर जाओ कोई ध्वनि बाहर नहीं आ रही सूरत लीला का आसन अवसान जन जन पर सखियाँ कुंज गवाक्ष से लीला का अवलोकन अवलोकन कर रही है बात कथा वर्णन किया तो सभी अनेक सेवा करेंगे एक नहीं हम लोग जाते हैं इसमें सेवा करेंगे निदर्शन करानी जहाँ जहाँ पर राधा कृष्ण एकत्र मिलित होते हैं है? और वहाँ पर सखियाँ राधा गोविंद की सेवा करती हैं है? और वो शांति सेवा कौन मिलता है एक नहीं बहुत सेवा अनेक जो सेवा पुण्य जहाँ पर राधा गोविंद की सेवा जिस कुंज में राधा गोविंद की सेवा और जब राधा गोविंद एकत्रित होकर के मिलते हैं तो उस समय ये समस्त सखियाँ कुंज की बाहर में छोटे छोटे जो क्या होता है झरोखा का समय कुंज जंगल मैंने और उससे सखियां क्या करती है छुप करके देखते रहते हैं अब सेवा चार पांच जो है मंदिरें जो है ऐसे छुप करके देख देखा ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कृष्णदास भक्तों और ठाकुर की वर्णन कर रहे ये सूरत लीला का अवसान जन सुखियां जुगल गवाक्ष से कुंज गवाक्ष से लीला रस अवलोकन कर रही है कृष्ण सखिया पर उठकर बैठे हुए राधा जी को संकेत दूर करने के लिए उनके अंग मार्जन तथा प्रकृति विजन पर पुनः मदन उद्दीपन का चेष्टा कर रहे हैं साक्षात अमृत स्वरूप श्री कृष्ण हमारी सखी राधा जी को सौभाग्य आनंद में गुणवंत करते हैं श्री राधा जी और सुधा का पान कर कृष्ण के सामूहिक तरुण और उन्नयन और भी अधिक लाल लाल हो गए कृष्ण बार बार राधा जी की और सुधा का पान कर पान करना मतलब किसी का लिप्स और उससे मदन मत से अधिक हो रहा है ये मिलन मिला की कथा है श्री राधा की सम बिंदु अपनार्थ विजन आदि कथा क्योंकि ये कोरोना में राधा जी क्या हो जाती है परिश्रांत हो जाती है फिर राधा जी की कपोल से कृष्णा के बूंद टपकती है अथवा कृष्ण के मस्तक मस्तक से कृष्णा की बूंद टपकती है उस समय सखियां कैसे दोनों को क्या करते हैं बैजन करते हैं पंखा लेकर के हवा करते इसलिए लिख रहे हैं ये राधा जी के श्रम बिंदु अपनोदनार्थ दूर करने के लिए
विश्वनाथ कृष्ण स्वयं भी पंखा लेकर के राधा जी को क्या करती है, श्री राधा के रुधि श्रम को देखकर कृष्ण के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता है तथा उनकी कला क्रांति को दूर करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती है। राधा को अपने गोद में बैठकर उनकी अंग स्पर्श करने से राधा कृष्ण दोनों ही अशक्ति विकार भाव रूपी महासमुद्र में डूबने लगते हैं। देखो दोनों की कैसे लीला चल रही है, दोनों के हृदय में अशक्ति विकार एक स्टैटिक सिम्टम है, मैनिफेस्टेड हृदय में अशक्ति विकार क्या मिले रोमांच कंपास पसीना आदि टपकना है। इसलिए कहते हैं रतिश्रम दूर करने की चेष्टाओं से केवी कालसा की वृद्धि है होने लगती है। श्री कृष्ण के मुरली वादन से मुनियों का कठोर मन भी चंचल हो जाता है। मुनियों के चंद हृदय कैसे होता है, कठोर होता है, प्रकट है, वो लोग तापस लोग होते हैं, तापस नहीं कठोर वैराग्य आदि करने वाले है। उनके हृदय कैसे होता है, कठोर है। ऐसे मुनि लोगों की चित्त भी चंचल होता है, ऐसे गोविंद के मुरलीधरी बड़े बड़े जोगिंद्र ज्ञानिंद्र महेंद्र की चित्त को चंचल कौन कर देते, कृष्ण की सुंदर मुरलीधरी। जब श्री राधा मान करती है तब श्री कृष्ण ने नाना प्रकार से मानते हैं और मान दूर न होने पर हा करके करते हुए चरण में गिरती राधा जी जब मान कर लेती है और कृष्ण दुखित होकर के राधा के चरण में गिर जाते हैं। आज से हमारा ये यह गलती ऐसे नहीं करेंगे, राधा जी को क्या मानने वाले तथापि राधा जी मान करके जब बैठ जाते हैं और मुंह में दूसरी तरफ मान करके बैठती है तो कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे राधा के चरण कमल पकड़ करके रोती है, रोते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण उन्हें नाना प्रकार से मनाते हैं, मान दूर न होने पर आहा करते हुए चरण में गिरते हैं, किंतु मान दूर नहीं होता है, राधा जी जो मान इतने सहज में दूर नहीं होता है। उसी गहन मान को मुरली एक तान दूर कर देते हैं। देखो राधा जी रूपे जो मान करती है बात कृष्ण क्या कर देते हैं, अंत में बंसी बजाते मुरली के तान छोड़ देते हैं। ये तो ब्रह्मास्त्र है, यह ब्रह्मास्त्र है, सबके हृदय को कह देते चलता करते लोगों की क्या
वहाँ मुरली का तान राधा के कर्ण में प्रवेश कर उन्हें उमा दीदी बना देती है और ऐसे कृष्ण की मुरली जयुक्त हो है। जो मुरली क्या कहते हैं कृष्ण जी की राधा जी की मान तो जो है सोने के सक्षम है राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदी राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदी सरीना अरे प्रेम मुग्ध है पागलिनी बाकी सब पैकिंग करके रखा जिस बात से आपको ले जाना है
नहीं तो जी कहो नहीं नहीं उसी दिन ही मैं कर दूँ तब गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ पर इधर रहेगा इधर रहेगा, मेरे ट्रेन छूट जाएगा जल्दी से, फ्लाइट छूट जाएगी, इसलिए क्या करते हैं पहले से ही तैयार तैयार। राधा जी आई कृष्ण के पास, कृष्ण देखा उनकी सारी अलंकार तो ठीक है किंतु एक आंख में काजल नहीं है, दूसरे आंख में काजल लगा हुआ है, तो ढंग नहीं किया है तो राधा कृष्ण कह रहे तुम्हारी एक आंख में काजल है इसमें काजल क्यों नहीं, तो राधा जी कह रहे सर मैं तो आ रही थी तुम काय को मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए काम तो पहले से तैयार करके बैठे किंतु अंतिम जो है सिंगार में तो रह गया था काजल लगाना, एक आंख में काजल लगाई दूसरे आंख में लगाने के लिए जा रहे थे इतने सब तुम्हारे वंशी डरी और सब कुछ छोड़कर के हम कागज में तुम्हारे साथ पास इस गधा को सुन करके कृष्ण प्रसन्न हो गया कि मेरे लिए इतने उत्तम मिले। उस समय कृष्ण ने क्या किया, यहीं से काजल मंगवाया और फिर राधा जी के दोनों आंखों पर जो है काजल लगा जावत जो परब्रह्म भगवान और क्या राधा के कर्ण में कानों में प्रवेश कर उनको उन्मादिनी बना देती है ऐसे कृष्ण की मुरली शिवला के भजन करने वाली सिद्ध देव तो मानस सेवा दो प्रकार की हम सेवा है, एक कुल सेवा और एक मानस सेवा, और मन के द्वारा जो सेवा होती है उसे क्या कहा जाता है मानसिक। अच्छा साढ़े सात तो हो गया, लोकमान्य